हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। किचन में हूँ मैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं, डिनर की तैयारी चल रही है। धनिया मैंने काट लिया है और दूध उबाल लिया है। दूध थोड़ा नीचे चला गया तो उसको मैंने ढक दिया है, और ये जो धनिया कट किया है ना, इसको मैं अच्छे से धो के रख लेती हूँ ताकि सब्जी में डाला जा सके इसको। और आज का जो डिनर है वो मैं राखी से बनवाने वाली हूँ। यस, राखी पे मैं करने वाली हूँ इमोशनल अत्याचार। आज मैं उसे ज़बरदस्ती खाना बनवा रही हूँ। उसका मन नहीं है बट मैं ज़रूर बनवाऊँगी आज उससे, देखते हैं। चलो जीरा डालो, जीरा, टमाटर। आज मैं राखी से खाना बनवा रही हूँ। थोड़ा सा बहुत ज्यादा। हाँ, जीरा होने दे अच्छे से, फिर उसके बाद ये प्याज, एक वो ले लो बुदन वाला स्पैचुला, चल डालो, ब्राउन हो गए, डर क्यों रही है तू? खाना बनाते बनाते डर रही है राखी? अच्छे से बनाना, ऐसे क्या से बना रही है? सही तो कशिश बनाती हूँ बिना डरे। कशिश ही डर रही है खाना बनाते बनाते। मैंने राखी को पूरी तैयारी करके दी है, टमाटर प्याज और काट दिए हैं, पनीर घिस दिया है, मसाले मैंने सारे निकाल के दे दिए, इसे धनिया भी धो के दे दिया है, देखो काटा भी मैंने ये धनिया, पर इसको बनाना है, फिर उसके बाद रोटी बनाएगी राखी। अब मैं इसको खाना बनाना सिखाऊंगी। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है। टमाटर नाक नहीं होने देंगे, वो भी पनीर बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बना को जाना का वही ही ब्राउन। अब सब लोग बोलेंगे राखी से काम करवाते हैं। राखी में तो से काम करवाते नहीं। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राखी क्या बना रही है और कैसे बना रही है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जो है पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ। फ्राई पैन में ऑयल डाला था, मस्टर्ड ऑयल, उसको अच्छे से गरम करके उसके अंदर ज़ीरा तड़का लिया अच्छे से, और देन उसके बाद प्याज डाल दी। प्याज को बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना है, ना ही शैलो फ्राई करना है, इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। और उसके बाद इसमें ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। प्याज आधी ली थी, टमाटर पूरा लिया था, और कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है क्योंकि मैं मसाले डालने में ध्यान दे रही थी और कैमरा इधर उधर हो गया था। तो इसमें अभी नमक डाला है और साथ ही इसमें डालेंगे हम लाल मिर्चें। तो ये है, डल गई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, और कोई मसाला नहीं डालेंगे। हल्दी हम नहीं यूज़ करेंगे, पीली पीली सी हो जाती है ना सब्ज़ी, तो वो अच्छी नहीं लगती। वैसे भी ये जो टमाटर है, धनिया पाउडर है, मिर्चें हैं,
इसका भी अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत अच्छी सी सब्जी लगती है। तो हल्दी मैंने नहीं डाली है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ना कोई पानी ऐड नहीं करना है हमको, क्योंकि जो पनीर है ना, फिर पानी कम नहीं हुआ, सूखा नहीं, तो पनीर अजीब सा हो जाएगा, गीला गीला सा, तो इस वजह से। और ये जो अभी मसाला डाला है, ये है गरम मसाला। गरम मसाले से भी एक अच्छा सा कलर और टेस्ट तो आता ही आता है। तो इसको हम थोड़ी देर ढक कर पका लेंगे, जिससे कि टमाटर गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है सब्जी बनाने का, वो पूरा करेंगे। तो ये रख दी, ढक दी सब्जी, और ये 5 से 10 मिनट बाद मैंने खोली है सब्जी। तो टमाटर आप देख सकते हो हल्का हल्का सा जो है गल चुका है, और बाकी जो है हम इसको ऐसी तेज आंच पे पका लेंगे, चलाते चलाते ही, तो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर अब क्या डालने वाला है आप लोग जानते ही हो। अब इसमें डलेगा पनीर। पनीर जो है मैंने लिया था 250 ग्राम से थोड़ा सा कम पनीर जो है वो लिया है, और मैंने सारा घिस दिया, और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी दिया के लिए, उसके लिए पराठा बना दूँगी, क्योंकि फिर वो सब्जी खाने में नखरे दिखाएगी, तो वो खा लेगी पनीर का पराठा। तो ये रहा हमारा पनीर, घिसा हुआ पनीर जो जा चुका है हमारे मसाले में, और बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है सब्जी, बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है, चाहे पनीर की भुर्जी हो चाहे अंडे की भुर्जी हो, तो जब बनती है ना तो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको अच्छे से हम मसाले में कोट कर लेंगे, और राखी को ना चलाना नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने अच्छे से चला लिया, और ये देखो टेस्टी लग रही है ना हमारी पनीर की सब्जी। तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। और किस किस को लगता है कि राखी को खाना ज़रूर बनाना चाहिए, एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के मेरे काम नहीं आएगी, ये उसी के काम आएगी। और उसको जो उसके घर पे बनता है मोस्टली लाल मसूर की दाल और आलू की सब्जी, बस वो ही आती है, और कुछ नहीं आता उसको। तो वो खुद भी जा रही है कि वो नई नई चीज़ें ट्राई करे। आप लोग क्या कहते हो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो कमरे में आ चुकी हूँ मैं, प्लेट लगा ली मैंने अपनी, ये पनीर भुर्जी और साथ में पराठे बना लिए, और दिया के लिए पनीर का थोड़ा सा, मतलब वो क्या होता है, क्या जो पनीर के साथ था ना वो बचा लिया था, उसका पनीर का पराठा जो आधा वो खा चुकी है, और राखी भी अपना खाना लेके बैठ चुकी है। तो आप लोग भी खाना खा लो, हम तो खा रहे हैं जल्दी जल्दी से। दिया भी कह रही है खा लो खा लो, चलो खा लो। राखी ने सब्जी कैसी बनाई है देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छी बनी है, अच्छी लग रही है, तू भी दे खा लो। सही, अच्छी लग रही, सही बनी है कह रही, पहली बार अच्छी लग रही है सब्जी, बहुत अच्छी बनी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा किचन व्लॉग। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। राखी से मैंने सब्जी बनवाई, तैयारी मैंने उसको पूरी करके दी, और बाद में मैंने कहा रोटी भी तू ही बनाएगी, बट उसने आटा ऐसा माशाल्लाह गूंदा, आटा गूंदा उसने और इतना ढीला कर दिया, बाद में मैंने उसमें और आटा मिला के उसको टाइट किया, बट फिर भी जो न्यू न्यू या फिर कभी कभी रोटी बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ढीले आटे से रोटी नहीं बना पाते हैं, तो वो भी नहीं बना पाई अपने गूंदे हुए आटे से रोटी। तो मैंने ही बनाई रोटियां, और रोटी नहीं पराठे बनाए उससे, और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी सच में। हाँ सच में अच्छी बनी थी, कह रही मुझे चिढ़ा रही है कि अच्छी नहीं बनी थी, तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और ये देखो मैंने मोटा वाला कड़ा जो है वो उतार दिया है, ये ब्लैक कलर का ये पहन लिया है, ये मेरी बहन के खड़े हैं जो मैंने पहन ली है, दोनों हाथों पहने हैं इस बार। तो बाय बाय करें या नहीं करें आप लोग बताओ, मेरा मन नहीं करता बाय करने का, मन करता बहुत सारी बातें करूं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं मेरे पास बोलने के लिए, बट ना लोग फिर कुछ ना कुछ लोग ना बहुत क्या कहते हैं,
डीमोटिवेट कर देते हैं और फिर ना मन उदास हो जाता है। मैंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद की जो वीडियोस हैं ना काफ़ी सारे शूट कर लिए हैं, मेकअप की वीडियोस हैं, कुछ कुछ जो रिव्यू वीडियोस हैं वो काफ़ी सारी शूट कर ली है और वो डलेंगी लॉकडाउन के बाद ही, अभी डालने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ, छोटी छोटी रोज़ वीडियोस बनाती हूँ और इकट्ठी कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, है गोलगप्पा चैलेंज करूँ, सोच रही हूँ कल कर लूँ गोलगप्पा चैलेंज, मन कर रहा है। गोलगप्पे का इंतज़ाम हम कर चुके हैं और आप लोगों को ललचा देंगे थोड़ा सा, बाज़ार के ही गोलगप्पे हैं और राखी और मेरे बीच होगा कंपटीशन गोलगप्पा चैलेंज, एक बार पहले भी कर चुके हैं हम, वीडियो हैगी, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ कि चैलेंज फिर से अगेन करूँ, न्यू चैलेंज गोलगप्पे से रिलेटेड। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।